हेलो दोस्तों, मैं आपका राहुल भी और स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे से चैनल टारगेट बोर्ड एग्जाम में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय देखने वाले हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, जैसे कवियों में सूरदास हो गए, तुलसीदास हो गए, इन सभी लोगों का जीवन परिचय पूछा जाता है, वैसे ही जब कवित्री की बात आती है तो इसमें महादेवी वर्मा जी का सबसे पहला नाम आता है। ठीक है, और इनका जीवन परिचय आपके प्रीवियस ईयर में भी बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए इनका जीवन परिचय छोड़कर आपको पेपर देने नहीं जाना है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ही सरल भाषा में इनका जीवन परिचय बताया जाएगा। केवल आप लोग एक से दो बार अगर इनका जीवन परिचय अच्छे से देख लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको इनका जीवन परिचय याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कैसे लिखना है इनका जीवन परिचय। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है जीवन परिचय। ठीक है, महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद में सन 1907 ईस्वी में होलिकोत्सव के दिन हुआ था। ठीक है, महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद में सन 1907 ईस्वी में होलिकोत्सव के दिन हुआ था। इनके पिता गोविंद प्रसाद वर्मा, ठीक है, इनके पिता का क्या नाम था, तो गोविंद प्रसाद वर्मा। तो इनके पिता गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य, ठीक है, और माता हेमरानी विदुषी और धार्मिक स्वभाव की महिला थी। ठीक है, आगे आपको क्या लिखना है कि इनकी, ठीक है, इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में और उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई थी। ठीक है, इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वह इंदौर में हुई थी और इनकी जो उच्च शिक्षा थी वह प्रयाग में हुई थी। संस्कृत में एमए उत्तीर्ण करने के बाद ये प्रयाग महिला विद्यापीठ में, ठीक है, कहां पर, प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य हो गई। यानी इन्होंने जैसे ही संस्कृत से अपने एमए की परीक्षा पास की उसके बाद ये प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य हो गई थी। इनका विवाह छोटी आयु में ही हो गया था। ठीक है, इनके पति जो थे क्या थे, डॉक्टर थे, इनके पति डॉक्टर थे। वैचारिक साम्य न होने के कारण ये अपने पति से अलग रहती थी। देखिए, जो सेंटेंस लिखा गया है बहुत ही सरल शब्दों में लिखा गया है, इसे आप चाहेंगे तो कहानी की तरह याद कर लेंगे। एक से दो बार अगर इसको अच्छे तरीके से पढ़ते हैं तो आपको याद भी हो जाएगा। कुछ समय तक इन्होंने चांद पत्रिका का संपादन किया। ठीक है, चांद पत्रिका का संपादन किया। कुछ वर्षों तक ये उत्तर प्रदेश विधान परिषद की मनोनीत सदस्य भी रही। इनकी साहित्य सेवाओं के लिए राष्ट्रपति ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत भी किया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एमसीक्यू टाइप भी क्वेश्चन बन सकता है आपके पेपर में। आपको पता है कि 20 अंक का एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ से पूछा जा सकता है कि किसे राष्ट्रपति ने पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया था, तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे देखिए क्या लिखना है कि से कसरिया एवं मंगला प्रसाद पारितोषिक से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। यानी इन्हें से कसरिया एवं मंगला प्रसाद पारितोषिक उपाधि से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। इनकी अप्रतिम, ठीक है, इनकी अप्रतिम गीतात्मक काव्य कृति, कौन सा, यामा, इनकी अप्रतिम गीतात्मक काव्य कृति यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार, यहाँ से भी एक एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। किस पर, तो यामा पर। आगे लिखना है कि ये प्रयाग में ही रहकर जीवन पर्यंत साहित्य साधना करती रही। ठीक है, ये प्रयाग में ही रहकर जीवन पर्यंत साहित्य साधना करती रही। 11 सितंबर 1987 ईस्वी को ये इस असार संसार से विदा हो गई। देखिए, दो चीजें आपको नहीं भूलना है, इनका जन्म कब हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई थी। सन आपको याद होना चाहिए, अगर सन गलत कर देते हैं तो शायद आपका पूरा जीवन परिचय भी गलत हो सकता है। तो आपको ये दो चीजें पता ही होनी चाहिए कि इनका जन्म कब हुआ था और इनका मृत्यु कब हुआ था। तो 11 सितंबर, अगर ये नहीं याद भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, सन याद होना चाहिए। 11 सितंबर 1987 ईस्वी को ये इस असार संसार से विदा हो गई। यद्यपि आज ये हमारे बीच नहीं है, लेकिन इनके गीत काव्य प्रेमियों के मानस पटल पर सदैव विद्यमान रहेंगे। अब देखिए, इसको लिखने की जरूरत नहीं थी,
लेकिन ये इसलिए लिखना चाहिए आप लोगों को, जैसे ही अगर दो लाइन ये आप लिख देंगे तो एग्जामिनर जो होगा, अगर 5 अंक का जीवन परिचय आता है तो वो आपको 5 अंक ही देगा। क्योंकि एग्जामिनर क्या देखते हैं कि आपने शुरुआत कैसे की है, आप स्टार्टिंग से कैसे लिखते आ रहे हैं, और जब आप लास्ट में लिख रहे हैं यानी जब उसको आप खत्म कर रहे हैं तो कितने अच्छे तरीके से आप उसको खत्म कर रहे हैं। अगर ये दो चीजें आपका सही रहता है तो एग्जामिनर फुल मार्क्स देता है। ज्यादातर क्या करते हैं कि शुरुआत के देखते हैं कुछ सेंटेंसेस और कुछ लास्ट के सेंटेंसेस देखा जाता है, बीच में उतना ध्यान नहीं जाता उन लोगों का, ठीक है। तो ये दो चीजें आपका सही होना चाहिए। शुरुआत में थोड़ा अच्छे तरीके से लिख दीजिएगा, जैसे कि मैंने लिखा था कि इनका जो जन्म था सन इतने को होली को सौ के दिन हुआ था, इस प्रकार से लिख देना है। और लास्ट में क्या लिख देना है कि 11 सितंबर 1987 को ये इस असार संसार से विदा हो गई, यद्यपि आज ये हमारे बीच नहीं है लेकिन इनके गीत काव्य प्रेमियों के मानस पटल पर सदैव विद्यमान रहेंगे। इतना आप लिख देते हैं तो आपको फुल मार्क्स दिया जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। आगे क्या करना है, रचनाएं भी एक नंबर का पूछा जाता है, तो कुछ रचनाएं इनकी लिख देनी है। जैसे महादेवी वर्मा की प्रमुख काव्य कृतियां निम्नलिखित है, क्या हो जाएगा, पहला निहार, रश्मि, दीपशिखा, निर्जा, सांद गीत आदि अन्य भी रचनाएं हैं। तो पूरी रचनाएं आपको नहीं लिखना है, 3 से 4 रचनाएं केवल लिख देनी है, ठीक है। तो ये आपको रचना में लिख देना है क्योंकि रचनाएं से भी एक नंबर आपसे पूछा जाता है, रचनाएं पर दिया जाता है। तो सेम टू सेम ऐसे ही आपको जीवन परिचय लिखना है कि जीवन परिचय को अच्छे से नोट कर लीजिए और इनका जीवन परिचय भूल करके पेपर देने नहीं जाना है, ठीक है। मैंने पहले ही आपको बताया है कि प्रीवियस ईयर के पेपर में बहुत बार इनका जीवन परिचय पूछा जा चुका है, लगभग हर साल किसी न किसी सेट में इनका जीवन परिचय आता ही है। इसलिए बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए भी इनका जीवन परिचय बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। कवित्री की बात आती है तो सबसे पहले इनका ही जीवन परिचय पूछा जाता है। जैसे अगर 3 जीवन परिचय आता है, किसी एक का आपको लिखना होता है, तो 2 अगर कवियों का दिया जाएगा तो 1 कवित्री का जरूर दिया जाता है, और जब कवित्री का दिया जाता है तो इनका नाम सबसे पहले आता है, ठीक है। तो इनका जीवन परिचय बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।